वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। वजह क्या है पूछने का, क्योंकि COVID-19 की वजह से कई सारे क्वेश्चन ऐसे जनरेट हुए हैं, ऐसे रेज हुए हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ एग्जाम जो हुए थे उनमें आए भी थे इस तरह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसने स्कूल हॉस्पिटल के रूम को सैनिटाइज के लिए शुद्ध नामक एक मशीन बनाया है। देखिए ये मशीन क्या काम करेगी, जैसे आपका कोई रूम है 9x12 का या इस तरह जितने भी स्क्वायर फीट का है, उसका एक लिमिट है। ये जो मशीन है ये ऑपरेट होगी मोबाइल से, सबसे अच्छी बात। इसको सबसे पहले देखते हैं डेवलप किसने किया, IIT कानपुर ने डेवलप किया है। इस मशीन को रखने के बाद आपके कमरे को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर 10 से 15 मिनट पूरी तरह से 360 सैनिटाइज का मतलब हो गया, नीचे से लेकर के पूरा फर्स्ट लेके छत तक सैनिटाइज कर देगा प्रॉपर तरीके से। और ये ऑपरेट होगा मोबाइल से, मोबाइल के एप्लीकेशन से ऑपरेट किया जाएगा इस मशीन को। इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे कोई स्कूल है उसको सैनिटाइज करना है, कोई हॉस्पिटल है उसको सैनिटाइज करना है, कोई होटल्स है उसको सैनिटाइज करना है, तो इससे आसानी होगी इस मशीन के जरिए। तो बहुत ही अच्छा एक मशीन का इन्वेंशन हुआ है जो कि IIT कानपुर ने डेवलप किया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, शुद्ध नामक मशीन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किया है IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी इमेज देख लीजिए आप, शुद्ध जो इमेज बनाई गई है, इमेज दिखाया गया है, ये इमेज है, इस तरह से ऑपरेट होगी। यहाँ पे मोबाइल या टैबलेट को के जरिए इसको ऑपरेट किया जाएगा। ये मशीन होगी, इसमें से स्प्रे निकलेगा और सैनिटाइज करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कोलकाता पोर्ट के एयर फायर फाइटिंग को ठीक करने के लिए सरकार ने कितने पैसे देने की बात कही है। देखिए कोलकाता पोर्ट है जहाँ शिपमेंट होती है, जब भी एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जाता है, वो शिपमेंट में फायर फाइटिंग के लिए जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्लांट लगे होते हैं, इंस्टॉल की जाती मशीनें, ताकि कोई फायर का इंसिडेंट वहाँ पर होता है ऑन द सेम टाइम उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकते हैं अगर हमारे पास उसकी फैसिलिटीज़ है। तो केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया है स्पेशली फॉर द पोर्ट के लिए, वो 107 करोड़ रुपए की बात कही है, यानी 107 करोड़ रुपए दिया जाएगा कोलकाता पोर्ट के फायर फाइटिंग के प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप इमेज में देख सकते हैं क्रिस्टल आइसलैंड, पनामा, इस तरह से पोर्ट होते हैं, यहाँ पे फायर फाइटिंग के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। किस नेपाली ने कहा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ। देखिए इस टाइम पे क्या है कि जैसे चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल ही रहा है आप जानते हैं, इसके बीच में ठीक है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उनके भी जो हाव भाव है या उनके जो स्टेटमेंट हैं वो भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट इस टाइम पे आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे इंडियन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है, बहुत सारे उनके ऊपर स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली साहब, उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो उनके स्टेटमेंट हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन इसका विरोध भी बहुत हो रहा है इस टाइम पे, आप न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। ये है ओली साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा PM स्वनिधि का लाभ लिया है। ये लिया है मध्य प्रदेश ने। अब हम समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि PM स्वनिधि जो सर्विस है या जो योजना है गवर्नमेंट की, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट ने COVID-19 के बिटवीन, इसका मिशन क्या है, क्या है इसके फ़ायदे, क्यों PM मोदी इसको दे रहे हैं स्कीम को। देखिए ये स्कीम बेसिकली है उनके लिए जो रेड़ी पटरी वाले होते हैं, जैसे आपने रेड़ी लगा के कोई व्यक्ति रोड के किनारे कोई सामान बेचता है या छोले कुलचे बेचता है या खाने का सामान बेचता, कुछ भी इस तरह से बिजनेस कर रहा छोटे मोटे रेड़ी पटरी वाले, इनके लिए PM मोदी ने स्वनिधि की एक योजना शुरू की थी। इस योजना का मिशन यही था कि आपको यदि दुकान, क्योंकि COVID-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उसको दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से खोलने के लिए, भारत सरकार ने विदाउट किसी के, यानी कोई आपको आइडेंटिफिकेशन किसी को नहीं देनी होगी, एज सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ आपको नहीं देना होगा, आपको लोन दिया जाएगा 10 से 20 हज़ार तक, जिस हिसाब से कैपेबिलिटी होगी, जिस हिसाब से आपका बिजनेस आप स्टैंड करना चाहते हैं, उस हिसाब से 10 से 15 हज़ार रुपये विदाउट इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसके अंदर 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक आपको लोन दिया जाएगा, ताकि आप रेडी पटरी का जो आपका बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकें और देश को भी आगे बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। इसको मनाया जाता है 12 जुलाई को, आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेज है। वो मनाया क्यों जाता है आप सबको यदि नहीं पता मैं बताता हूँ। ये मनाया जाता है मलाला, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, जो इस समय उनकी एज 23 हो चुकी है और उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, तो इसके लिए मिले हैं उसको हम जानते हैं कि जब इनकी एज कम थी, 13 साल थी, उससे पहले से ही इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है। जिस एरिया में नोबेल प्राइज़ भी इन्हें दिया गया है, आप जानते होंगे न्यूज़ में बहुत जाती है, उनकी किताबें कई सारी लिखी हुई हैं, जिस एरिया में जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, या ध्यान भी देती थी गवर्नमेंट तो वहाँ की महिलाएं इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थी कि एजुकेशन को समझ सकें कि इसकी आवश्यकता है उनके लाइफ में, यानी उनके जीवन में। इसलिए इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि शायद किसी ने इसने कम उम्र में किया है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है स्टेट को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मलाला डे, स्पेशली इंटरनेशनल विश्व मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। मेन काम था एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि स्पेशली फॉर द वीमन, यानी महिलाओं की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रज्ञाता किसने शुरू किया है। प्रज्ञाता एक योजना है गवर्नमेंट की, एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 5, 7, 7 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं एजुकेशन ले रहे हैं, इस टाइम पर क्या है कि सभी, वैसे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर जिससे पढ़ाई जाता है, वो स्पेशली गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एक एक प्लेटफॉर्म वन बाई वन, ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। इसका जो मिशन यही है प्रज्ञाता का, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, जो अभिभावक हैं या टीचर हैं उनको क्या ध्यान से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, क्या उनको कितनी देर तक मोबाइल यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है, कितना टाइमिंग होना चाहिए, ज़्यादा टाइम मोबाइल पर अगर कोर्स भी करते हैं तो भी आँख के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी, मेंटली भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि मोबाइल का एक लिमिट, या जो डिजिटल ट्रेनिंग या एजुकेशन ले रहे हैं उसकी लिमिट बनाई जाए और उसको अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें बच्चे। इसकी शुरुआत की है रमेश पोखरियाल जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एंड्रेस डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बने हैं अभी हाल ही में पोलैंड के, पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है एंड्रेज दूधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि जैक चार्ल्टन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो एक फुटबॉल खिलाड़ी जो कि बहुत ही फेमस थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। भारत और कॉर्मेल राइफल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ भारत ने कोलैब किया है और वो इंडिया में किस जगह पर खोली जा रही, इसके बारे में इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, भारत और कॉर्मेल जो एक राइफल है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने जो कोलैब किया या बातचीत किया, वो किया इजराइल से। इजराइल आप जानते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीपन्स का सप्लाई करता है और बड़ी लेवल पे वीपन्स का बिजनेस है इजराइल का। अब इजराइल ने क्या काम किया है, इन्होंने भारत से कोलैब किया है, ये जो कंपनी खुलेगी ये खुलेगी मध्य प्रदेश में कंपनी खुलेगी, यहाँ पर राइफल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अरत और कॉर्मेल। ये राइफल बनेंगे जो कि क्लैप करके इजराइल देश के साथ मिलकर ये राइफल बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ही मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि गूगल कंपनी ने अभी हाल ही में रिलायंस जियो में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। देखिए, शेयर खरीदते हैं इस टाइम पर, क्या है, रिलायंस का जियो में शेयर बहुत सारी कंपनियों ने लिया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे क्वालकॉम ने लिया है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो फेसबुक ने लिया है, मार्क जुकरबर्ग ने भी लिया है, जियो कंपनी। तो जियो कंपनी में गूगल कंपनी इन्वेस्ट कर ही रही है 4.5 बिलियन, या 4 बिलियन के ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा जियो कंपनी को, जो कि रिलायंस कंपनी है। मिशन यही है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकेगा आसानी से और सभी को बेनिफिट होगा इससे। तो ये होगा $4 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अभी हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। अभी रिसेंटली में जो डिजिटल चौपाल का आयोजन किया वो नाबार्ड ने किया था। इनका मिशन था जो डिजिटल चौपाल बढ़ाने का, किसानों को इन्फॉर्मेशन देना, जो कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना किसानों के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई द मोहम
बेगम फुटबॉल क्लब किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो किस इस संस्थान के जरिए दिया गया, वो दिया गया अशोक कुमार जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCCI ने किसे अपना इंटरिम CEO बनाया है अभी हाल ही में? देखिए, अभी हाल ही में राहुल जी ने रिजाइन दिया है यहाँ से, BCCI से उनका एक्सेप्ट भी हो गया रेजिग्नेशन। अभी यहाँ पे जो बनाए गए हैं उनका नाम है हेमांग जी को बनाया गया है इंटरिम CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BCCI। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली एक वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को उसी समय देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।